द्वारा आवासहीन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत रहने को मकान दिए गए। इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यालय पर सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। हितग्राहियों द्वारा केंद्र शासन की इस महती योजना को सराहा और प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, संतोष राठौर, हरीश पाठक, चंपालाल अरसे, अशोक प्रजापत आदि मौजूद थे। आपको जो ये आवास मिला है, हाँ जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें मकान दिया है। हाँ, माता रानी उनको सदा खुश रखे, भगवान अच्छा रखे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सारे किन्नरों की तरफ से उनको मोदी जी को बहुत बहुत दुआ है। 20 साल हाँ, खूब जीते रहे वो। और हमारे सांसद महोदय के बारे में क्या कहना चाहते? इनके बारे में तो मैं क्यों, माता रानी किन्नर इनको हर तरफ से दुआएं देती है। हाँ, ये मेरे बच्चे भी खूब फूले फले। भैया, ये जो आपका आगमन हुआ है तो क्या उद्देश्य है और किस कारण? मध्य प्रदेश के 2.25 लाख ऐसे हितग्राही जो अपने आवास के लिए निवेदन करते थे, ऐसे सभी बेघर लोगों को आज प्रधानमंत्री आवास उनका गृह प्रवेश हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, ऐसे समस्त हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उनकी तरफ से हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। यह एक ऐसी आवास योजना है जिससे जिन व्यक्तियों को रहने के लिए मकान नहीं, घर नहीं, ऐसे लोगों को देश के प्रधानमंत्री द्वारा उनको मकान के लिए पैसा दिया जाता है, घर बनाया जाता है। ऐसे हितग्राही जो अपने रोजी रोटी और मकान, ये तीन चीजों की आवश्यकता मनुष्य को रहती है, उसमें रोजी और रोटी देने का काम मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से अनाज देने का काम कर रहे हैं और मकान देने का काम भी देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरे से 1,00,000 ये हजार हितग्राहियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं।